हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आज यानी कि 30 सितंबर को 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, आप लोग अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी एक नोटिस निकाला है, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पूर्ण परीक्षा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बीपीएससी जो है एक इम्पोर्टेंट नोटिस निकाला है। नोटिस में तो ऐसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सभी बातें आपके एडमिट कार्ड्स में भी होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले यानी कि 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सिंपल समझिए, एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले तक ही आपको एंट्री मिलेगी, मतलब कि सुबह में 11 बजे तक ही आप लोग की एंट्री है। ठीक है, तो आप लोग जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे कोशिश करें 11 बजे से पहले ही पहुंच जाए एग्जाम सेंटर पे, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात पे जो है ध्यान देंगे, एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले तक जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है, यानी कि 11 बजे तक हर हाल में एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 घंटा पूर्व पहुंच जाए। उम्मीदवार निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंच जाए। ठीक है, 2 घंटा पहले बीपीएससी तो कह रहा है आप 2 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, और एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए 2 घंटा पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, और बाकी जो है यही सब दिया है जो कि एडमिट कार्ड में भी रहता है, बाकी तो वही बात है। स्मार्ट वॉच, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर, ओएमआर सीट के बारे में बाकी तो ये इंफॉर्मेशन है, आप लोग तो ये सब एडमिट कार्ड में देख ही लिए होंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो था यही था कि उम्मीदवार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंच जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दें, जितना जल्दी हो सके आप लोग कोशिश करें कि एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि किसी भी तरह का जाम वाम, ट्रैफिक का जो है किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम वीडियो लास्ट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।